हर हर नर्मदे। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मर गई क्या मयूरा? मेघा, खबरदार, अगर एक शब्द भी तुमने मयूरा के लिए बोला तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। जो बची कुछ इज्जत मैं तुम्हारी करता हूं ना, क्योंकि हमने शादी की है, तो वो भी चली जाएगी। ओमकार के पाप का भागीदार अगर कोई है तो वो तुम हो। अरे भाग गई होती मयूरा अगर तुमने जलन के चलते उसे पकड़वाया ना होता। अब देखो ना क्या हो गया उसके साथ। तुम्हें अब भी अकल नहीं आई ना? एक बात ध्यान रखना मेघा, अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं एक पल नहीं लगाऊंगा तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने में। तुमने जो किया है ना, उस वजह से मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ना कि अस्पताल में मयूरा के साथ। क्योंकि किसी को तो तुम पे नजर रखनी थी, ताकि पीछे से तुम कोई नया कांड ना कर सको, और अगर करो तो उसे कोई संभाल सके। उसी के लिए तप कर रहा हूं मां। जिंदा है पर उसका होश में आना बहुत जरूरी है, जिससे मैं जीते जी उसकी जिंदगी नरक बना सकूं। मिंटी बेटा, मिंटी आंखें खोल। मिंटी, मेरी बच्ची। बेटा लेटी रहे। डॉक्टर, ये आप लोग मिल लीजिए, पर ज्यादा बात मत कीजिए, उन्हें आराम की जरूरत है। चेहरा ढका हुआ है बेटा, चिंता मत कर। आप लोग कैसे, ऐसे क्यों देख रहे? कुछ 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 हुआ है क्या मम्मी पापा? क्या हुआ हूँ घर ने क्या किया? नहीं नहीं बेटा नहीं, तू शांत रहे, कुछ भी तो नहीं हुआ है। तू अपनी तबीयत का ध्यान रख बच्चे, है ना? नहीं, मम्मी, आप लोग कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। दादी पीयूष, बताइए मुझे क्या हुआ? नहीं मेरी रसमलाई, कुछ नहीं हुआ बच्चे। पीयूष, मयूरा ओंकार ने
आप लोग फिक्र मत करिए, कुछ नहीं होगा मयूरा को, मैं कुछ होने नहीं दूंगा, मेरा बदला भी बाकी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मयूरा नहीं बेटा, गुस्सा नहीं, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी। हा? क्या करूं पापा, तबीयत ठीक करके घर है तो मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। मयूरा को जागना होगा मेरे लिए। थैंक गॉड मैंने इसे इधर आते हुए देख लिया। हमारे पास यहाँ से निकलने का मौका तभी तक है जब तक इसे लगता है कि मयूरा बेहोश है। ठीक है ना बेटा? आराम से बेटा, आराम धीरे, आराम से। तो सोचना पड़ेगा पापा। बल्ली हॉस्पिटल सील कर दे, ना कोई अंदर आएगा और ना कोई बाहर जाएगा। जी सरदार जी। माना एक कोर्ट नहीं हॉस्पिटल, पर सच बोलना, सच के सिवा कुछ नहीं। मैं ठीक हूँ पापा, इतना टेंशन मत लीजिए प्लीज। कब तक हम लोग ऐसे बेहोश होने का नाटक करके बसते रहेंगे? कब तक उससे छुप के हम लोग भागते रहेंगे? तब तक पापा जब तक कुछ ठीक नहीं हो जाता। कोशिश करते रहेंगे पर हार नहीं मानेंगे। अरे कब तक कोशिश करेंगे मिंटी? अरे उस आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो कुछ भी कर सकता है। मैंने आपको सब सच तो बताया था सरताज जी, कि जिंदा है पर बेहोश है। तो होश में लाइए उसे जल्दी। आप इतनी लड़ाई लड़ ली है तो आप क्यों डरना पापा ओमकार से? अब तक लड़े ना आगे भी लड़ेंगे। ओमकार ने हर संभव कोशिश की पर मरे तो नहीं ना, जेल रहे सब, कोशिश कर रहे तो आगे भी करेंगे पापा। क्या गारंटी है कि बच जाएगी मयूरा? तेरा जन्मदिन मना रहे थे ना हम लोग, कल ही तुझे खोने वाले थे इसके चक्कर में। ऐसा परेशान नहीं दे सकता मैं तुझे बेटा, तू अगर जरा सा भी प्यार करती है ना मुझसे तो आज जो मैं बात बोल रहा हूँ माननी पड़ेगी तुझे। वादा कर मुझसे, मेरी बात मानेगी बेटा? हाँ पापा, आपके लिए जान भी हाजिर है। आप बोलिए पापा, क्या कर रहे हैं? मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा, तू मेरी बात मानेगी? यहां से भाग जा बेटा। हाँ?
भाग जाओ। भाई क्या कह रहे हो? मैं नहीं जाऊंगी कहीं, मैं आपके साथ रहूंगी। सही कह रहा हूँ बेटे, तेरा यहाँ रहना सही नहीं है। अरे ऐसे कैसे वो जाएगी, कहाँ जाएगी माँ के? आप कब कहीं भी जाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ नहीं रहेगी, इस शहर में नहीं रह सकती वो। अरे पर वो अकेली बच्ची कहाँ जाएगी, आप कुछ तो सोचिए। मैं कहाँ कह रहा हूँ अकेली जाएगी, सुरेखा पीयूष जाएगा मयूरा के साथ। तू जाएगा ना बेटा मयूरा के साथ, दोस्त है ना तेरी, प्लीज इसकी मदद कर। पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। आप मुझे जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? तुझे क्या लग रहा है कि हमें तकलीफ नहीं हो रही तुझे यहाँ से भेजने में? हमारा दिल नहीं फट रहा है? लेकिन क्या करें बेटा, तुझे जाना पड़ेगा। कभी कभी लड़ने में नहीं बच के निकलने में समझदारी होती है। मैं नहीं जाऊंगी प्लीज। तुझे जाना पड़ेगा मयूरा, अरे मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ तुझे। पापा मैं नहीं जाऊंगी पापा प्लीज, आप मुझे जाने के लिए क्या? पीयूष मम्मी दादी आप भी कुछ नहीं कह रहे, पीयूष बोलो ना, तुम सिखड़े क्यों? अंकल हम यहाँ रह के भी तो ओंकार से लड़ाई कर सकते हैं, ट्रस्ट मी मयूरा को कुछ नहीं होगा। नहीं पीयूष, तुम भी जानते हो संभव नहीं है, जब तक ये यहाँ रहेगी वो इसे चैन से जीने नहीं देगा और मैं ये देख नहीं पाऊंगा। कल तो जान ही ले ली होती उसने मयूरा की, लेकिन फिर भी बचाना चाहता है वो इसे तिल तिल करके तड़प तड़प करके मरने देना चाहता है, इसे तड़पता हुआ देखना चाहता है वो, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा बेटा। पल्ली हर जगह नजर रख, मेरी इजाजत के बिना यह परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। नहीं मुझे अपने आप से दूर मत करो, उस ओमकार की वजह से मैं आपसे दूर क्यों हूँ? अरे कैसे रहूंगी मैं? मेरी रसमलाई, मेरी बच्ची, मैं कह रही थी। पापा तेरी ठीक कह रहे मयूरा, मुझे जाना होगा। आप भी मुझे दूर जाने के लिए? मैं नहीं जाऊंगी। ओमकार से बचने का हमारे पास सिर्फ यही एक तरीका है बेटा। मम्मी मुझे खुद से अलग मत कर दो, मैं क्या करूंगी आपके अलावा? आपके अलावा मेरा कौन है? मेरे पास क्या बचा है आप बताइए? आप लोग रहते तो मुझे हिम्मत मिलती, ताकत मिलती है। आप लोग की मुझे चिंता बनी रहेगी, आप लोग को कुछ हो गया, ओमकार ने कुछ कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी प्लीज। तू औलाद है बेटा, तू नहीं समझेगी, जब किसी औलाद के माँ बाप गुजर जाते हैं ना तो तकलीफ होती है, लेकिन माँ बाप के सामने आकर उनकी गोद से कोई उनकी औलाद को छीन के ले जाए वो बहुत बड़ी तकलीफ होती है। वो तू क्या चाहती है कि हमें वो तकलीफ हो? तो अगर अपने माँ बाप की खुशियां चाहती है ना बेटा तो तुझे जाना पड़ेगा, तेरे सुरक्षित होने से ही हम लोगों को खुशी मिलेगी। तू तो समझते क्यों नहीं है बेटा? पीयूष मेरी मिंटी को बेटा यहां से ले जा, तेरे आगे हाथ छोड़ता, तेरे अलावा आप किसी और पर भरोसा नहीं बेटा। कल ये कुछ पैसे हैं बेटा। अंकल ये मेरे एक दोस्त हैं बेंगलोर में, ये उनका एड्रेस है, मिंटी को लेकर उनके पास चले जाना, तुम लोग सेफ रहोगे वहां पे, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अंकल प्लीज। नहीं प्लीज। अब तक तो मयूरा को होश आ जाना चाहिए था, कहीं कोई चाल तो नहीं चल रही है लोग यहां से भागने के लिए।
भगवान, इन दोनों की रक्षा करना, ओमकार के चंगुल से और नजर से बचाकर ये बस भाग जा। रुको, मास्क उतारो। मयूरा को होश कब तक आएगा? मैंने बहुत देर से राउंड नहीं मारा, चक्कर लगा के देखती हूँ। जल्दी जाके चेक करिए। क्या हुआ मयूरा? ओंकार को पता चलते ही वो सबसे पहले हमारे पीछे आएगा। जल्दी निकलो, चलो। क्या हुआ पीयूष? सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा पीयूष। मयूरा, ये सब सोचने का टाइम नहीं, हमें यहां से जल्दी निकलूंगा, प्लीज जल्दी चलो। मयूरा, पीयूष हॉस्पिटल में तो नहीं है? मैं भी देखता हूं कहां तक जाते हैं भाग के। साइकिल को तो रिक्शा विक्शा भी कुछ नहीं मिलेगा, गाड़ी से लिफ्ट मांगनी पड़ेगी। आप सब तो जानते हैं ना मैं क्या कर सकता हूं और किस हद तक जा सकता हूं। तुझे जाना होगा, ओंकार से बचने का हमारे पास सिर्फ यही एक तरीका है बेटा। बल्ली, लेकर आओ उन्हें। ये तेरी मां के आंचल का प्यार। मैं मतलब ही नहीं हो सकती, मेरी फैमिली को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मैं नहीं जाऊंगी। रोकिए रोकिए रोकिए, चलेगा मेरा मेरी गाड़ी आ गई, फटाफट चलो। मयूरा नहीं भागूंगी पीयूष। मयूरा, मयूरा वापिस जाने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, प्लीज चलो यहाँ से। नहीं पीयूष, नहीं भागूंगी। मयूरा बड़ी मुश्किल से वहां से निकले, प्लीज चलो ना यहाँ से। कैसे चली जाओ पीयूष? अरे जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करके हमेशा मेरा साथ दिया, उन्हीं की जान को जोखिम में डाल के भाग जाओ? नहीं मयूरा, मेरे माँ बाप है वो, मेरी दादी है, मेरा परिवार है। मैं निकल गई, मैं मिली नहीं तो घर में उन्हें कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी? मैं कहां जाऊंगी? मैं मेरी बात ध्यान से सुनो, हम एक बार
सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि उन सबको वहां पे कैसे बुलाना है। हे पीयूष, इतनी मतलब ही नहीं हो सकती मैं। मेरे पीछे उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं नहीं भागूंगी पीयूष। मयूरा, मयूरा मेरी बात सुनो। मयूरा मेरी बात सुनो। हम एक बार ठंडे दिमाग से सोच लेते। पीयूष, मेरी मम्मी पापा दादी कोई बात नहीं है जो मैं सोचूं। चिंता हो रही है उनके पीयूष, में छोड़ के नहीं जा सकती। उन्हें कुछ हो गया तो मुझे उनके साथ होना चाहिए। मैं जा सकती हूँ उन्हें मयूरा। जिन कदमों से गई हो ना मुझसे दूर, उन्हीं कदमों से वापस आओगी मेरे पास।